हाय फ्रेंड्स, दिस इज जागृति। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ही हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जिनके पास दे हैव एन इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। एंड जो हमारी बॉडी में दे आर इन योर ब्लड, यूरिन, टिश्यूज एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। मीन्स जो हमारे फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारे ब्लड में, यूरिन में, टिश्यूज में एंड जो बॉडी के अदर फ्लूइड्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारी बॉडी में वाटर के अमाउंट को मेंटेन करते हैं, इनका बैलेंस बनाए रखते हैं। वाटर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर के बैलेंस को बनाए रखते हैं। सेकेंड, इनका इम्पॉर्टेंस होता है बैलेंस योर बॉडीज एसिड वेस्ट पीएच लेवल। मीन्स हमारी बॉडी में जो एसिड वेस्ट पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट इज जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स जो हम लोग फूड लेते हैं, सो फूड लेते हैं उनमें कुछ पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स ये हमारी सेल्स तक जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के या फ्लूइड के ही जरिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल्स तक पहुँचते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट, इनका इम्पॉर्टेंस क्यों होता है? मूव वेस्ट आउट ऑफ योर सेल्स, मीन्स सेल्स में, सेल्स से जितने भी बेस सब्सटेंसेस हैं उनको ये मूव कर देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं? ये आर आल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम, दे आर आल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फ्रेंड्स, हम जब फूड लेते हैं, मींस जब हम कुछ खाते हैं, फूड से रिलेटेड जब हम खाते हैं कुछ या कोई ड्रिंक लेते हैं, तब ये उस ड्रिंक के माध्यम से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो होता है अगर कम हो गया है, टू लो, अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है या टू हाई, या इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो चेंजेस, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। चांसेस आ जाती हैं फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो या ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर में चेंजेस आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू टेक इन शुड इक्वल, हमें जो अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि वाटर का जो अमाउंट है वो इक्वली लेना चाहिए, इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा लेना चाहिए। अगर हमारा बैलेंस, वाटर का बैलेंस अगर अपसेट हो जाता है, मीन्स ये बैलेंस जो है अगर अपसेट हो जाता है वाटर बैलेंस, तो हमें क्या हो जाता है? यू मे हैव टू लिटिल वाटर, अगर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हम वाटर लेते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमने वाटर ले लिया है तो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहुँच जाता है। फ्रेंड्स, फिर क्या होता है? वॉमिटिंग एंड डायरिया, स्वेटिंग एंड लीवर और किडनी प्रॉब्लम्स कैन ऑल अपसेट योर वाटर बैलेंस। एंड अगर वाटर बैलेंस नहीं सही है तो वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, लीवर और किडनी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, जब हम वाटर लेते हैं तो ये हमारी एलिमेंट्री ट्रैक में इंटर करता है, एलिमेंट्री ट्रैक में इंटर करता है, जिसे हम GI ट्रैक भी बोलते हैं। एंड कुछ जो वाटर होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनता है। और फ्रेंड्स, इन मैनी वेज, बहुत सारे वेज से वाटर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, हमारी बॉडी से वाटर जो है बहुत सारे वे में एक्सक्रीट होता है, मीन सिक्रीट होता है। सो जैसे कि फिकस के थ्रू वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, स्वेटिंग के थ्रू वाटर एक्सक्रीट हो जाता है एंड यूरिन के थ्रू।
द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेटिंग, जो स्वेटिंग के थ्रू वाटर एक्सक्रीट होता है, इज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब जो बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट, द किडनी मेंटेन द बैलेंस, किडनी जो होती है वो बैलेंस को मेंटेन रखती है वाटर के इनपुट को एंड आउटपुट को। एंड जो स्मॉलेस्ट वैल्यूम यूरिनरी आउटपुट रिगार्डेड टू एक्सक्रीट द बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट इज अबाउट 500 ml पर डे। मीन्स फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लगभग 500 ml पर डे यूरिनरी से, यू मीन्स यूरिन के फॉर्म में बॉडी इसके बाहर एक्सक्रीट हो जाता है पर डे 500 ml के अमाउंट में। नेक्स्ट, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट होता है, अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में यूरिन जो है वो एक्सपेल हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो वो जो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो इस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के थ्रू ये एक्सेसिव अमाउंट में जो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होती है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। इट इज रिलीज्ड इन द ब्लड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्रेंड्स, ये कहाँ से रिलीज होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, सेंसरी नर्व सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस होते हैं, ये ऑस्मेटिक प्रेशर को ब्लड में मेंटेन रखता है। एंड ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होती है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किससे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, देन ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन फ्रेंड्स, जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, अगर इसका आउटपुट इंक्रीज हो गया है व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज टाइट, जो ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इट फर्दर लीड्स अ वाटर रैप। फिर नेक्स्ट व्हेन आगे की तरफ क्या होता है, आगे के प्रोसेस में फिर वाटर रैप जो ऑप्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के थ्रू वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस डिक्रीज द ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर, या ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया है तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक यानी कि ADH आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, जो टोटल बॉडी वाटर हमारे, यानी कि हमारी बॉडी में जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो 60% होता है, 60% होता है, जिसमें 33% एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एंड 66% इंट्रा सेलुलर होती है, एंड जिसमें से 8% ब्लड प्लाज्मा एंड 25% इंटरस्टीशियल फ्लूइड होते हैं। फ्रेंड्स, जो इंट्रा सेलुलर है फाउंड इनसाइड सेल्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ टिश्यूज, ये हमारे प्रत्येक जो टिश्यूज होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल एंड एडिपोज सेल्स। एंट्रेंस जो इंटरस्टीशियल्स हैं इनमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि फ्लूइड बिटवीन सेल्स, लिम्फ, GI फ्लूइड, स्पाइनल कॉलम, फ्लूइडिनाइज, टीयर्स, इन सब में प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। So thank you for watching.